जैसे हम लोग बाहर की चीजें परचेज करते हैं, बट आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसे की बनी हुई चीजें इस्तेमाल करनी है, उसे यूज में लाना है. लाइक हाउ मेनी ऑफ अस परचेजेस दियास मेड अप ऑफ क्ले एट द टाइम ऑफ दिवाली. आई थिंक नन ऑफ अस डू दैट. लाइक वी ऑलवेज परचेजेस दैट लाइटनिंग और लाइक यू कैन से दैट लाइट विच इज मेड आउट ऑफ इंडिया और यू कैन से चाइनीज आइटम्स वी परचेज विच इज नॉट राइट. सो देयर इज अ थिंग लाइक आवर प्राइम मिनिस्टर वॉन्टेड दैट कि हम इंडिया की बनी हुई चीजें इस्तेमाल में लाएं और उसी को यूज करें, इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये आत्मनिर्भर भारत लाइक स्टार्ट किया था. ओके वंडरफुल. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक हैव बीन द इंपैक्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत ऑन द इंडियन इकॉनमी? लाइक इट देयर इज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत ऑन इंडियन इकॉनमी. लाइक इफ आई से बिफोर आत्मनिर्भर भारत इन 2019 our per capita income growth was only 6.1%, but after Atmanirbhar Bharat was introduced it went up to 8.7%, which is a huge increase in this. Like you know na, ek hi baar mein humne 2% se zyada increase kiya, and also GDP growth bhi bahut hui. Like because of Atmanirbhar Bharat nowadays the GDP growth of India is like second. Like India is the country which is growing really faster. Like hum US ke baad hum sabse zyada tezi se ग्रो कर रहे हैं अपनी जीडीपी में, सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की वजह से. एंड अभी के टाइम पे हमारी जीडीपी इंडिया की बहुत ही अच्छी है. लाइक इट इज अराउंड 3.94 बिलियन, विच इज अ लॉट. एंड आई थिंक इसकी मेन जो कॉज है और इसकी जो रूट स्टेप है वो यही आत्मनिर्भर भारत है, जिसकी वजह से हमारी जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट भी बहुत बढ़ी है. लाइक इट इज नाउ 7.8%. सो यू सी, वाओ, दैट्स ट्रूली इनक्रेडिबल. सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू यू थिंक आत्मनिर्भर भारत हैज इंपैक्टेड द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया? Like as I earlier told you, it has impacted really nicely. Like before Atmanirbhar Bharat, I think our per capita income of each people is only 1633 rupees, I think. But now it's 2411 rupees. Like हम यहाँ पे भी changes देख सकते हैं बहुत ही frequently और बहुत ही ज़्यादा changes हम इसमें भी देख सकते हैं. Like but इसमें भी फिर वही चीज़ हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत इंडिया में introduce तो हो गया, but लाइक मेनली इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है जिसकी वजह से हमें ये थोड़ी पर कैपिटा इनकम कम लगती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक यूएस और चाइना. बट देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन दिस. ऑलराइट, सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड आर एक्सपोर्टेड? लाइक बिफोर आत्मनिर्भर इंडिया प्रोड्यूसेस गुड्स, आई से दैट लाइक वी लाइक हम गेहूं को दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे. एंड ऑयल्स, कोकोनट ऑयल्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया ओनली. एंड लॉट थिंग्स आल्सो व्हिच वी एक्सपोर्ट लाइक राइस, शुगर केन एक्सेट्रा. बट आफ्टर लाइक आत्मनिर्भर भारत हमने एक्सपोर्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं. लाइक इफ यू सी आई एम वेयरिंग बोट हेडफोन्स व्हिच इज मेड इन इंडिया ओनली एंड दिस इज आल्सो गॉट एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज. सो यू सी कि पहले हम सिर्फ लाइक ग्रेन्स पे रिलाय करते थे कि आत्मनिर्भर भारत में हम सिर्फ ग्रेन्स पे एक्सपोर्ट करेंगे या बाकी चीज़ों को, बट अब हम लाइक वही हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर थिंग्स भी एक्सपोर्ट करें दूसरी कंट्रीज में, जिससे इंडिया की एक तरीके से इमेज भी बेटर हो रही है. ऑलराइट, सो हाउ वुड यू लाइक टू कंक्लूड ऑल ऑफ दिस? लाइक इन कंक्लूजन, लाइक हम ये तो कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत ने बहुत ही पॉजिटिवली इंपैक्ट किया, बट आत्मनिर्भर भारत के अंदर भी हमें दो चार चीजें अभी भी देखने की लाइक रिक्वायरमेंट्स है. लाइक हमने ये तो कर दिया कि पर कैपिटा इनकम कैसे वो हो रहे हैं या अदर थिंग्स, बट वही है ना पर कैपिटा इनकम लाइक ये हो जाता है कि मेनली जो प्रपोर्शन जाता है वो दूसरी जो लोग बहुत ही हायर लेवल पे हैं, हायर बिजनेसमैन से उनके पास जाते हैं, और वो जो पुअर सेक्शन है उनको कुछ नहीं मिल पाता, वो अभी भी पॉवर्टी में ही रह रहे हैं. सो आई थिंक इन कंक्लूजन मैं यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को और थोड़ी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिससे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट है वो इक्वली हो और लोगों हर सेक्शन के पास जाए, वेदर इट इज पुअर सेक्शन और मिडिल क्लास और द अपर सेक्शन. एंड फिर यही है, आत्मनिर्भर भारत ने हमें हेल्प तो बहुत ही ज्यादा की है. लाइक बिफोर 2020 लाइक we export very less things, but now we are like you can say big boss of the exporting market of the world. All right, Ashish, thank you so much for attending this podcast with us. Thank you so much. Thank you so